लखनऊ में विधानसभा चुनाव 2022 का नामांकन आज से शुरू। शाहजहां सीट के लिए डीके भारद्वाज एवं शेखपुर से धर्मेंद्र साक ने कराया नामांकन। यूपी के बदौ में दूसरे चरण में 4 को मतदान होना है, आज से नामांकन शुरू हो गया है। आज भाजपा के 2 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए हैं। विधानसभा चुनाव के तहत जिले में 28 जनवरी तक नामांकन चलेगा। आज 2 बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन किए। विधानसभा शाहजहां से डीके भारद्वाज एवं विधानसभा शेखुपुर से धर्मेंद्र साक ने नामांकन किया। पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कलेक्टर की तरफ आने वाले सभी वाहनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए थे। सिर्फ कर्मचारी एवं प्रत्याशी को ही अंदर आने दिया जा रहा था। टेम्परेचर मशीन टेम्परेचर चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा था। उप जिला अधिकारी विनय कुमार मिश्र ने बताया कि 29 तारीख को स्कूटनी की जाँच होगी, 31 तारीख को नाम वापसी होंगे, 14 फरवरी को वोट पड़ने हैं। जिले के सभी 6 विधानसभाओं के नामांकन की अलग अलग व्यवस्था की गई है, जिसके पंपलेट बाहर चपका दिए गए हैं। सर, दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन हो रहा है, सर अब तक कितने नामांकन जो है पर्चे खरीदे जा चुके हैं और अब तक कितने जमा हुए हैं? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 114 बिलसी में आज 21 जनवरी 2022 से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जी, अभी तक 3 व्यक्ति नामांकन पत्र ले जा चुके हैं, जमा करने के उद्देश्य से रिक्त नामांकन पत्र लेकर के गए हैं। अभी तक किसी भी उम्मीदवार के द्वारा अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया है। जी, नामांकन जो है कितने तारीख से कब तक होगा? ये नामांकन की प्रक्रिया आज 21 तारीख से प्रारंभ होकर के 28 तारीख तक चलेगी। 29 तारीख को स्कूटनी है, उसके बाद नाम वापसी की प्रक्रिया है। मैं विजय कुमार मिश्र आरओ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 114 बिलसी, नॉमिनेशन की प्रक्रिया के संबंध में आज मैंने द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी प्रति सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस बोर्ड पर, तहसील में, ब्लॉक में, नगर पालिका में और आरओ कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। जी,